हाथी को वश में करने के लिए अंकुश उपयोग में लाया जाता है और अश्व को संतुलित करने के लिए लगाम। परंतु यदि हाथी पर लगाम कसकर उस पर सवारी करने का प्रयास किया जाए तो सवार गिर सकता है, और यदि अश्व पर अंकुश से प्रहार किया तो अश्व धराशायी हो सकता है। जैसे हर देवता को प्रसन्न करने की एक भिन्न प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार भिन्न प्रतिद्वंद्वियों को एक ही अस्त्र से वश में नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ उनके स्वभाव और आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। कोई समझाने से समझे, कोई लोभ के लालच में साथ देगा, कोई दंड से मार्ग पर आएगा, तो किसी को भेद से तोड़ना होगा। स्मरण रहे, शिव के मंदिर में नारायण की आरती नहीं गाती, जैसा देवता वैसी पूजा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।